मेरे को भाई एकदम बबल रैप करके दे दिया विशाल भाई, PS1 दे दिया भाई ने बहुत बढ़िया कंडीशन में। अपने CD भी मंगाया था थोड़ा बहुत, कंट्रोलर सब बबल रैप में रहता है, सब बहुत बढ़िया भाई। विशाल भाई को 10 out of 10 की रेटिंग देता हूँ मैं, बहुत बढ़िया गेम है, मस्त। और ये उन्होंने चार्जिंग वायर भी दी है, थैंक यू सो मच विशाल भाई। सो लो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आज तो काफी ज्यादा बढ़िया गाइस, क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ स्टीयरिंग व्हील गाइस, बहुत बढ़िया बजट में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ स्टीयरिंग व्हील, जिसका आप मजा उठा सकते हैं, चाहे PS3 हो, PS4 हो, Xbox हो, सब में आपको मजा आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें मैं लेकर के आया हूँ गाइस, आप देख सकते हैं PXN कंपनी का नाम, PXN, और काफी अच्छा ब्रांड है, काफी अच्छा, और कई दिनों से मैं यूज भी किया हुआ हूँ इसको, और पहले भी इसका मैंने अनबॉक्स किया था अगर आपने पहले वाले वीडियो देखी हो तो। लेकिन आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ गाइस, अगर आप लोगों को चाहिए तो जल्द से जल्द खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मिल जाएगा, ठीक है। रही बात इसके हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, क्या क्या चीज आता है, क्या प्राइस होने वाला है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि PS3 में, फोन में, एक्सबॉक्स में, ठीक है, उन सब में चल जाएगा, निंटेंडो स्विच में भी चल जाएगा, अगर आपके पास PC है तो उसमें भी आप चला सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम ट्राई करते हैं, देखते हैं आज PS3 में चलाने वाले हैं क्या है, कैसा है, कैसा नहीं है। देख सकते हैं हमारे पास PS3 स्लिम गाइज है हमारे पास, इसको लगाते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि गाइज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैंने PS1, हाँ PS1 मैंने बुकिंग करा है, PS1 ये जा रहा है पार्सल, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है PS2, ठीक है ना, PS2 जा रहा है, ये एक्सबॉक्स जा रहे हैं दोनों के अंदर, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का कुछ पार्सल बना हुआ है, अगर आपको भी बुकिंग कराना है बुकिंग करा सकते हो, पार्सल ऐसे ही रेडी होने वाला है, ऐसे ही जाने वाला है। जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको 4 पार्सल तो तैयार हो चुके हैं, करने वाले हैं, इनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, पहले तो मैं आपको आगे से दिखा दूँ, इसको पहले पन्ने हटाते हैं फिर आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको क्लीन एंड क्लियर दिखाई दे। तो ये देख सकते हैं हमारे पास, ये गाइस देख सकते हैं PXN, अच्छी कंपनी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं रेसिंग व्हील, अगर आपको कार रेस गेम खेलना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है ये आपका, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसमें आपको वाइब्रेशन भी मिल रहा है गाइस, वाइब्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, 180 डिग्री ये मूव हो जाएगा इस तरफ से इस तरफ 180 डिग्री, ठीक है। आपको इसमें गियर भी मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आपको चीज़ बढ़िया बढ़िया मिलने वाला है। इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये कुछ ऐसा है, इसको हम निकालते हैं, अभी रखते हैं साइड में, पहले सबसे मेन आइटम निकालते हैं क्योंकि ये बड़ा है, ज्यादा हैवी भी नहीं है और ज्यादा हल्का भी नहीं है, ये देख सकते हो काफी अच्छा, बिल्कुल न्यू, ऐसा नहीं है कि भाई ये सेकेंड हैंड दे रहा हूँ, बिल्कुल न्यू चीज है, देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें केबल भी आ गया साथ में, ये रहा केबल, ठीक है ना। तो ये सारी इसका गियर है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 180 डिग्री यहाँ से लेके 90 और ये 180 डिग्री, ठीक है ना। ये चीज़ें सारे बटन्स आपको इसमें मिल जाएंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन, इसमें होम शेयर ऑप्शन वाले बटन्स भी हैं, ABXY, जैसा कि आपको ABXY जैसा कि आपको देखने को मिलता है बॉक्स वाले कंट्रोलर में, ठीक है ना। यहाँ पे आपको L1 L2 भी मिल रहा है, तो सारी चीज़ें तो हैं, L1 L2 R2 R1 सब कुछ है, ये आपका देखने को मिल रहा है गाइस। ये आपका अगर कहीं लगाते हो तो एक तरफ बैठ जाएगा, चिपकेगा, हिलेगा नहीं, ठीक है ना। ये भी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे भी सारा इसका मॉडल नंबर और सब दे रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये 360 व्यू दिखा दिया है, कुछ इस टाइप का आपको मिलने वाला है अगर आप स्टीयरिंग व्हील खरीदते हैं तो, ठीक है। और इसको रखते हैं साइड में, चल भाई, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं ये हैंडल है, ये मिल जाएगा आपको, ये भी मिल जाएगा, कुछ इसके एक्सेसरीज में ये केबल्स इसके अंदर है, ठीक है ना, और मैनुअल मिल जाता है। इसके बाद ये रहा क्लच, ड्रॉर ब्रेक, ये रहा मिल, तो एक्सेलेटर ब्रेक इसमें मिल जाता है, और बाकी केबल्स और एडाप्टर वगैरह मिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, सारी एक्सेसरीज मिल जाती है गाइस, ठीक है, मैनुअल सब कुछ मिल ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको मैं असेंबल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको ना इसमें ऐसे अटैच करना है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाना है, ये अटैच हो गया, और जहाँ भी आप कहीं टेबल वेबल पर लगाते हैं इसको से घुमाएंगे वो टाइट हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप का है ये, काफ़ी बेस्ट है अगर आप कोई टेबल के ऊपर या ऐसी जगह पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और अगर टेबल काफ़ी प्लेन है तो उस पर ऐसे आराम से चिपक जाएगा, ठीक है, अगर चिपक जाएगा तो हिलेगा नहीं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ये काफ़ी अच्छा है अगर आप लोगों के पास वो नहीं है तो, दूसरा कोई टेबल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो,
सकते हैं दोस्तों, मैंने सारी वायरिंग कर ली है, इसको हम रखते हैं जमीन पे और ये यहाँ पे रहेगा, मैंने ज्यादा टच नहीं करा है। ठीक है, अब हम सीधा खेलना स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं एफएस और खेल के दिखाते हैं। तो मैंने लगा दिया है नीड फॉर स्पीड राइवल, जैसे ही प्ले होता है खेल के दिखाते हैं आपको। तो यार देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम चलाते हैं इसको। काफी अच्छा, और इसके अंदर वाइब्रेशन भी है, व्हील के अंदर वाइब्रेशन भी काफी अच्छा फील हो पा रहा है। काफ़ी अच्छा है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है कि बस मज़ा नहीं आ रहा है चीज़ें, इसमें वाइब्रेशन भी आपको फील हो जाएगा, चीज़ें बिल्कुल बढ़िया होने वाली। ठीक है, चलो म्यूट करते हैं टीवी, फिर आगे बात करते हैं। लिया है किस टाइप का एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे आपको ब्रेक मिल जाता है, एक्सीलेटर मिल जाता है। ठीक है ना, वैसे आप यहाँ से भी कार चलाना चाहें चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वाइब्रेशन काफ़ी अच्छा है यार, पूरा का पूरा वाइब्रेट करता है ऊपर से लेकर नीचे तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इस टाइप का है। और इसमें सारे बटन्स आप जो भी यूज़ करते हैं, जैसे आप कंट्रोलर अगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप इसी से बाहर भी जा सकते हैं, जैसे कि देख सकते हो, या आप बाहर से जा सकते हैं, अप डाउन वगैरह सारा काम जो भी कंट्रोलर से आप करते हैं वो इससे भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि यार लोकल फील करा रहा है, कोई भी बटन लोकल फील करा रहा है, नहीं, काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि प्रीमियम टाइप में लग रहा है, ये नहीं है कि लोकल की टक टक की आवाज़ आ रही है। खरीदना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे पास से, आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखेंगे तो आपको 5,500 रुपये, 5,900 रुपये ऐसे में मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5,000 में आपको मिल जाएगा। रही बात अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप सबसे बेस्ट है, व्हाट्सअप अपना नाम मोबाइल नंबर एड्रेस भेज सकते हैं ऑर्डर करने के लिए। जो भी पेमेंट होगा इसका हाफ पेमेंट आपको एडवांस करना होगा, बाकी जो हाफ पेमेंट है वो आपको घर पहुँचने के बाद करना होगा। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ कुछ और भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब साथ में ही एक साथ चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेयरिंग व्हील देंगे, अगर आप स्टेयरिंग व्हील लेना चाहते हो तो स्टेयरिंग व्हील भी दे देंगे, अगर आप इसके साथ PS3 या और भी कुछ लेते हो तो वो ज़रूर दे देंगे। रही बात सबसे मेन जो बात है वो ये है कि यार आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार बॉक्स 360 में चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि एक्सबॉक्स 360 है तो इसमें ये चीज़ नहीं चलने वाला है, इसको चलाने के लिए एक्सबॉक्स वन होना चाहिए, एक्सबॉक्स वन में ही ये सपोर्ट करेगा, एक्सबॉक्स 360 में सपोर्ट नहीं करेगा। बाकी मैंने चलाया नहीं है, जो डब्बे में लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एक बार चला के देखेंगे कि चलता है या नहीं चलता है, लेकिन ये अगली वीडियो में होगा या उसके अगली वीडियो में, लेकिन हम ज़रूर एक बार चेक करेंगे क्या है, क्या रिस्पॉन्स आता है अगर हम एक्सबॉक्स 360 में चलाते हैं तो। आधा वर्क करता है या वर्क बिल्कुल नहीं करेगा या कुछ कुछ वर्क करेगा, सब कुछ उसमें उस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कैसे है। तो अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर देना ताकि आप लोग तक तो सारी वीडियोस पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।